विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर 8 और 9 जनवरी 2019 को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए आगामी 13 दिसंबर को सभी जनपदों के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन और रैली का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव इंजीनियर ऐश्वर्य सिंह ने मंगलवार को बताया कि आम उपभोक्ताओं को परेशान करने के लिए सरकार प्रस्ताव ला रही है। हम सरकार द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते हैं, जिसके विरोध में आगामी 13 दिसंबर को सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में 18 दिसंबर को प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आगामी 8 जनवरी से 9 जनवरी को सभी विद्युत कर्मी हड़ताल करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के क्षेत्रीय सचिव इंजीनियर ऐश्वर्य सिंह ने कहा, उसी दिन लाइटिंग हड़ताल ऐसा 21 दिन है लाइटिंग हड़ताल 8 है ना जोड़नी और लाइटिंग हड़ताल प्रिंट आउट निकलना का क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर 13 तारीख से एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन या धरने के पास चल रही है। जो हमारी संघर्ष समिति की मुख्य मांगें हैं उसमें सबसे पहला ये है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट सरकार द्वारा लाया जा रहा है ये पार्लियामेंट में विंटर सेशन में पारित करने के प्रयास किया जा रहा है उसको बंद कराने के लिए उसको ताकि वो बिल पास ना हो पाए सबसे मुख्य मांग तो यही है हमारी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है वो लोगों के हित में नहीं है, उससे निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एक्ट सरकार द्वारा लाया जा रहा है, इसको पास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट से क्या होगा कि जो भी निजी कंपनियां हैं इनको अपने मनमाने तरीके से बिजली बेच करके अपने मनमाने तरीके से बिजली का रेट हाई कर देंगी, जिससे कि आम उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, किसानों को परेशानी होगी, जो कि आज बिजली 4 रुपये 5 रुपये पर यूनिट मिल रही है वो चीज़ 7 रुपये 7.5 रुपये तक जाएगी, जिससे आप आम उपभोक्ता ही परेशान होगा। दूसरा एक मुख्य कारण है कि 2000 वर्ष जो हमारी पेंशन योजना है 2000 के पूर्व जो हमारी पूर्व पेंशन योजना थी उसको बहाली के लिए, ताकि 2000 के बाद के जो भी अधिकारी कर्मचारी भर्ती हुए हैं सबको पेंशन योजना पुरानी व्यवस्था के तहत दी जाए, नई पेंशन योजना खारिज करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। और एक हमारी जो मांग है इसमें मुख्य है वो है कि जो भी हमारे कर्मचारी बंधु हैं जो भी हमारे संविदा कर्मचारी हैं इनको तेलंगाना सरकार की तरह, जैसे तेलंगाना में हुआ है कि सरकार ने वहाँ पे उनको नियमित कर दिया है और उनको सरकारी नौकरी दी है, उसी तरह यहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से ऐसे संविदा कर्मी हैं जो बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी नियमित रूप से इसमें सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनका भी पालन पोषण किया जा सके। किस तरह की चेतावनी है, चेतावनी तरफ क्या करेंगे आप? हम विरोध प्रदर्शन करेंगे सारे जनपदों में। कब? 13 तारीख को 13 दिसंबर 2018 में विरोध प्रदर्शन करेंगे सारे जनपदों पे, और इसके लिए हमारे संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र महोदय जी और राजीव सिंह महासचिव जी हैं अभियंता संघ के, उनका हमारे वो आया है कि ऊपर से फरमान है कि इस पर हम 13 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद 18 तारीख को गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 18 दिसंबर को, जिसके तहत आप सारे मीडिया वालों को दोबारा वहाँ पे बताया जाएगा, बुलाया जाएगा, एक संक्षेप में आपको डिटेल दिया जाएगा, जिसके तहत अगर ये चीज़ें हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो 8 और 9 जनवरी को 2019 में बिजली कर्मी हड़ताल पे जाएंगे।